राजगढ़ के एक युवक से शादी करने के लिए सात समंदर पार कर एक प्रेमिका उसके पास आ गई। युवती के साथ उसका पूरा परिवार भी आया। राजगढ़ के नितेश और कनाडा की ओरियन ने सीहोर में हिंदू रीति रिवाज से सात फेरे लिए। नितेश ने 2013 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कनाडा गए थे। वहीं पर उनकी मुलाकात फ्रांस की ओरियन से हुई, दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। दोनों ने जीवन भर साथ रहना तय किया। दोनों का परिवार भी शादी के लिए राजी हो गया। नितेश राजगढ़ जिले के कुरावर का रहने वाला है। कुरावर में बड़ी होटल या रिसोर्ट नहीं है। उन्होंने सीहोर के ग्रेसेस रिसोर्ट में शादी करना तय किया। इससे पहले हल्दी मेहंदी की रस्म हुई। नितेश के परिजन का कहना है कि ओरियन भारतीय संस्कृति में रुचि रखती है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो दूसरे देश से है। ओरियन के माता पिता सहित 25 लोग फ्रांस से भारत आए हैं। फ्लाइट से सभी ग्रेसेस रिसोर्ट पहुँचे और यही शादी की रस्मों में शामिल हुए। सभी विदेशी मेहमानों का गेंदे के फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्हें खाने में मालवा का प्रसिद्ध व्यंजन दाल बाफले सर्व किया। शादी के रीति रिवाजों को सभी बारीकी से देख रहे थे। सभी के लिए भारत आना और शादी में शामिल होना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सीहोर से कवि झोकर की रिपोर्ट।